सो बच्चों, हमने एल्केन्स के बारे में तो वैसे सारी डिटेल्स में बात कर ली है पहले। रिएक्शंस को अगर हम देखें तो फ्रॉम योर स्टेट टेक्स्ट बुक जो एक्स्ट्रा थोड़े बहुत रिएक्शंस हैं उसके भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड देन वील मूव टू एल्कीन्स ऑब्वियसली। सो द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज गिवन इज योर चेन रिएक्शन, दैट इज डायरेक्ट हैलोजिनेशन। हमने सिर्फ इसको हैलोजिनेशन नहीं कहा था, हमने इसको डायरेक्ट हैलोजिनेशन कहा था। और डायरेक्ट हैलोजिनेशन में दिस वॉज इम्पॉर्टेंट दैट एच न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है। एच न्यू बेसिकली एनर्जी रिप्रेजेंट करता है लाइट की, है ना। ई इज इक्वल टू एच न्यू, किसी भी वेव की एनर्जी एच न्यू से बताई जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यू वी लाइट जो है, हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, यू वी लाइट। और दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, यू वी लाइट के अलावा वी हैव यू वी लाइट और डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट और हीटिंग, राइट। सो ऑल दैट बेसिकली इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ना इसमें हमने काफ़ी और भी डिटेल्स देखी थी, जैसे कि यहाँ पर मैकेनिज्म है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यूवी लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं, मतलब कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल का कौन सा टाइप का फिशन होता है, होमोलाइटिक फिशन होता है। कैसा होता है, होमोलाइटिक फिशन, और फ्री रेडिकल बनते हैं। चेन रिएक्शन होता है जिसको हम लोगों ने तीन स्टेप्स में देखा था मैकेनिज्म को, दैट वॉज इनिशिएशन, प्रोपगेशन यानी कि चेन की इलोंगेशन, बढ़ रही है चेन, और तीसरा ऑब्वियसली था टर्मिनेशन। ठीक है, द टर्मिनेशन, राइट। तो टर्मिनेशन के लिए ऑब्वियसली हमको पता है कि जब हम लोग एक्सेस लेते हैं क्लोरीन तो आपका कंटिन्यू चलता है, और एक्सेस मीथेन लेते हैं तो टर्मिनेट हो जाता है जल्दी, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सेकेंड था कंबशन। कंबशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये बात थी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने पे कभी भी CO2 प्लस H2O प्लस ढेर सारी एनर्जी मिलेगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। इनफैक्ट जो JEE स्पेसिफिक लेक्चर मैंने लिया उसमें तो हमने काफ़ी डिटेल में बात की, पेट्रोल, डीजल, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, ऑल दोज थिंग्स वी हैव डन इन डिटेल। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक शॉर्टकट भी किया था कि कितने ऑक्सीजन लगने वाले हैं पर मोल, तो उसका शॉर्टकट क्या था, 3N+1/2। आप लोगों ने इसको अप्लाई भी करके देखा है बहुत सारे एग्जांपल्स में, आई एम श्योर, राइट। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देन यू हैड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, समथिंग दैट इज नॉट गिवन इन योर स्टेट टेक्स्टबुक। आई हैड मेंशनड दिस व्हाइल टीचिंग यू द थियरी पार्ट, स्टिल लेट्स डिस्कस इट वंस। अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात करें तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पॉसिबल है एल्केन्स का, जिससे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट चेक करो, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल मिलेगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन अगर आप करते हो एल्केन का तो क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट में अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, नाउ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास क्या क्या कैटलिस्ट या क्या क्या रिएजेंट्स अवेलेबल हैं। कॉपर एट 523 केल्विन अंडर प्रेशर, कॉपर एट 523 केल्विन अंडर प्रेशर, दैट इज द कैटलिस्ट जब आपको ऑक्सीडेशन करना है डायरेक्ट किसका, एल्केन का, क्या बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। सेकेंड आपके पास कैटलिस्ट है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड, अगेन क्या करना है आपको, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करना है, पर नोट करो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है एल्डिहाइड, दिस इज अल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है। और तीसरा तरीका है मैंगनीज एसीटेट, मैंगनीज का एसीटेट। नाउ यू नो ATE, एट लिखते हैं अपन, एट बोले तो वो कौन सा कंपाउंड होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ATE, एट मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, वो एट बोले तो एस्टर होता है ना। व्हेन वी राइट ATE एट द एंड, जैसे OL लिखते हैं तो आप बोलते हो अल्कोहल है, AL लिखते हैं तो आप बोलते हो एल्डिहाइड है, वैसे ही ATE ये फंक्शनल ग्रुप आप ये आपने लिखा है तो इसका मतलब क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो एस्टर है। एस्टर बोले तो ये क्या है, ये एसिड, पर्टिकुलर एसिड का डेरिवेटिव है ना, ये एसिड का डेरिवेटिव है, ध्यान से देख लेना। अब एसिड के नाम अगर आपको नहीं पता तो फिर गड़बड़ है, एसिड के नाम पता होने चाहिए, जैसे कि इस एसिड का नाम क्या है बताओ, इस एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, है ना, और IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। तो इसका अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो इसका नाम हो जाता है IC एसिड, हटाओ और ATE लगाओ, एसीटेट, बरोबर है। तो ये एसीटेट का एक वैलेंसी फ्री, ऐसा और एक एसीटेट ले लो तो इसका भी वैलेंसी फ्री,
क्यों? क्योंकि दो एसीटेट चाहिए, क्योंकि हम लोग मैंगनीज यूज कर रहे हैं जिसकी वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो MnCH3CO, तो इसका फॉर्मूला लिखने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, CH3COO twice Mn, बोलो हाँ कि ना। क्या नाम होगा? मैंगनीज एसीटेट। सबके पल्ले पड़ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंगनीज एसीटेट मेरा कैटलिस्ट है। मैं हर एक चीज को आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर ऑक्सीजन किया, सेम हमने एल्केन ही लिया, बट यहाँ पर बना एसिड। क्या बन गया? एसिड बन गया। तो आपने नोटिस किया बच्चों कि एल्केन से आप ऑक्सीडेशन करने पे क्या क्या बना सकते हो। एल्केन से ऑक्सीडेशन करने पे आप 3 अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो। ये सबने नोटिस किया? नहीं किया तो यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, आपने ऑक्सीजन के साथ में इसको रिएक्ट करा एल्केन को, तो आपके पास 3 टाइप के प्रोडक्ट बने। कौन से 3 टाइप के प्रोडक्ट बने? लेट्स चेक। पहले आपके पास ऑप्शन था अल्कोहल बनाने का, तो आपने वो बना दिया। दूसरा आपके पास ऑप्शन था एल्डिहाइड बनाने का, वो आपने बना दिया। तीसरा ऑप्शन था आपके पास एसिड बनाने का। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों में क्या रिलेशन है कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो एसिड बनता है, सॉरी एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो तो एसिड। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन है। एल्केन से अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से एसिड बनता है। मतलब कि ऑक्सीडेशन एक एक स्टेप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो आपका अल्कोहल फिर एल्डिहाइड फिर एसिड, ये तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है। ये बात सबके समझ में आ रही है क्या? मैंने प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स बताते वक्त ये क्लियरली कहा था, किस तरह से प्रायोरिटी का शॉर्टकट दिया था, याद है सबको? एसिड्स डिराइव पॉइजंस, कार्बोनिल्स बिकम अल्कोहल्स, एमएन, ये मैंने बताया था। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। ऑन रिडक्शन दे बिकम अल्कोहल, कार्बोनिल जो है ऑन रिडक्शन बिकम अल्कोहल। तो उल्टा इज ऑल्सो ट्रू, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन शुड बिकम एल्डिहाइड, येस ऑर नो? प्राइमरी अल्कोहल बिकम्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल बिकम्स कीटोन। प्राइमरी वाला क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी वाला क्या बनता है? कीटोन बनता है। अब मुद्दा यह है कि जैसा मैंने कहा, मुद्दा यह है कि तीनों में आपको कैटलिस्ट याद रखना है, बस ये मेन चीज यही है, तीनों में आपको कैटलिस्ट याद रखना है। अगर अल्कोहल बनाना है तो कॉपरेट 523 कर लो, क्योंकि ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर आप देखो कंट्रोल मतलब एक स्टेप पे आके ही रुकाना है। अगर आप भयंकर ऐसा सीवियर ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे वेरी स्ट्रांग वाला, तो वो तो सीधा एसिड पे जाके ही रुकेगा। करेक्ट बात है ना? अगर आप ढेर सारा ऐसा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो वो सीधा कहाँ जाके रुकेगा बच्चों? सीधा सीधा वो एसिड पे ही जाके रुकेगा। ये अग्री करते हो सारे लोग, सब लोग है ना? अच्छा, MO2O3 यानी कि मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड अगर आप यूज करोगे तो सेकेंड स्टेप पे आके रुकेगा, और थर्ड CH3COO twice Mn यानी मैंगनीज एसीटेट अगर आप यूज करोगे तो वो एसिड तक पहुंचेगा। सो लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई दिस, समराइज दिस फॉर यू, लेट मी समराइज दिस फॉर यू। ठीक है, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन will give you aldehyde, है ना? तो ये primary alcohol, primary क्योंकि terminal चाहिए ना, aldehyde कैसा है? terminal है, सबको मालूम है। ये नहीं पता तो फिर ऐसा चुल्लू भर पानी यू डूबो, सबको पता है ना aldehyde कैसा होता है? terminal group होता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को और ऑक्सीडाइज किया, क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड बन गया। अच्छा उल्टा करके देखें तो एसिड को रिडक्शन करने पे क्या बनेगा? एल्डिहाइड, फिर उसको और रिड्यूस करने पे क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये सेम रूल अप्लाइड है सेकेंडरी अल्कोहल को, सेम रूल आपका सेकेंडरी अल्कोहल को भी अप्लाइड है, सिर्फ फर्क क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है? कीटोन बनता है। तो इतना ही फर्क है, सेम रूल आपका अप्लाइड है सेकेंडरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है आपका? ऑक्सीडेशन पे बन जाता है कीटोन, और कीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन देता है एसिड, एंड उल्टा, है ना? समझ में आ रही क्या बात?
सवाल आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि सर प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, तो सवाल क्या आना चाहिए दिमाग में? सॉरी मेरी गर्दन थोड़ी दुख रही है इसके लिए सर। या प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, यस। तो हर कॉमन नॉर्मल इंसान के दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर टर्शियरी अल्कोहल से क्या बनेगा? जब प्राइमरी से एल्डिहाइड बन रहा है, सेकेंडरी से कीटोन बन रहा है, तो टर्शियरी से भी कुछ तो बन रहा होगा। टर्शियरी से बनता है एल्कीन, वो एक एक्सेप्शन है, इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट एक्चुअली अंडरगोज एलिमिनेशन। ठीक है, ये हम लोग अल्कोहल चैप्टर में काफी इन डेप्थ इसके बारे में मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लो। फिलहाल याद रखो ये तीन कैटलिस्ट, ये तीन कैटलिस्ट नए हैं, आपको पहली बार आप सुन रहे हो, तो ध्यान रखने और याद रखने अच्छी तरह से। ये समझ में आ गए सबको? मैंने यहाँ पे आपको समराइज करके दे दिया नोट्स के फॉर्म में, यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिख के रखना है, ठीक है। एल्केन्स का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और ये जो मैंने यहाँ पर टेबल लिखा है, फटाफट चलो इसको, टेबल नहीं मतलब ये एक छोटा सा मैंने समरी लिखा है, वो आप लिख के रखेंगे अपनी नोटबुक में। चलो जल्दी। सो दैट वॉज योर ऑक्सीडेशन। नाउ नॉर्मली ये तो क्लियर है, सभी सभी को पता है कि ये तो मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक, स्टेट टेक्स्ट बुक में तो दिया भी नहीं है, ओनली इन एनसीईआरटी दिस इज मेंशन कि ऑक्सीडेशन होता है। जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ऑक्सीडेशन करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जनरली ऑक्सीडेशन करना। ऑर्डिनरी एल्केन्स विल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, दैट इज अ कॉमन नॉलेज, सबको पता है कि हाँ एल्केन्स जो है वो जनरली ऑक्सीडेशन रेजिस्ट करते हैं डायरेक्टली। नहीं तो इतना ईजी हो जाता ना ये कि भाई हाँ क्या करना है, दारू बनाने, इथाइल अल्कोहल, तो ये लिया इथेन गैस, ऑक्सीजन लिया और बन गया इतना। ये लिखने के लिए ठीक है बट इतना इजी होता नहीं है। ये क्या होता है यहाँ पर कि दे विल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, सो टू कैरी आउट द ऑक्सीडेशन यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4। नाउ टू स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन योर एंटायर सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री आर, वन इज पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4, द अदर इज K2Cr2O7। अब रेडॉक्स चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पूरा थियरी, और उस वक्त ये क्लियरली बोला था कि पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दीज आर टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एंड वॉट वॉज देयर स्पेशलिटी, इन वॉट काइंड ऑफ मीडियम डू दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? दे विल फंक्शन as good oxidizing agents or strong oxidizing agents only in acidic medium. बहुत ही important point है। Basic में KMnO4 काम करता है weak oxidizing agent की तरह, जिसको हम लोग Bayer's reagent बोलते हैं, है ना? तो ये भी एक important point है जो आपको याद रखना है कि जहां पर alkanes में tertiary hydrogen होगा, tertiary hydrogen होगा, वो KMnO4 के presence में oxidize होगा। किसके? KMnO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। आइसोमराइजेशन इज फाइन, नॉट अ बिग डील, यू कैन स्किप दिस, दैट्स फाइन। एरोमेटाइजेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, सिक्स और मोर कार्बन एटम्स वाले जो एल्केन्स होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पे जब आप हीट करते हो, ठीक है, वेनेडियम पेंटोक्साइड के प्रेजेंस में, तो दे अंडरगो साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग। वी नो दिस, वी हैव डन दिस इन डिटेल, ठीक है। हमने इनफैक्ट पिछले लेक्चर में इसके ऊपर एक एग्जांपल भी किया था, मैंने आपको ये पूछा भी था ये वाला क्वेश्चन कि टोलुइन बनाना है तो कौन सा एल्केन लेना पड़ेगा। आप सबने आंसर करेक्ट दिया था, आंसर वॉज हेप्टेन, 7 कार्बन लेंगे तो क्या बनेगा, साइक्लाइजेशन से टोलुइन बनेगा, ये सबको मालूम है, प्लस 4H2, वेरी गुड। Then you have reaction with steam. Again, this is not given in your state book, so we'll just do the cover this reaction. Very simple. Any alkane when reacted with steam, ठीक है? Now, normally any alkane हम बोलते हैं, but यहाँ पर सिर्फ methane जो है, simplest alkane जो है, उसका ही example लेंगे. That is the one that readily reacts with steam, that is with water technically, in the presence of nickel to form carbon monoxide and hydrogen. Now remember, carbon monoxide and hydrogen, this combination, okay, carbon monoxide and hydrogen ka ye jo combination hai, this is known by a special name, okay,
एंड मोस्ट ऑफ यू शुड बी एक्चुअली अवेयर ऑफ दिस स्पेशल नेम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. एनी गेसेस व्हाट दैट स्पेशल नेम इज? चेक, हाइड्रोजन चैप्टर आपको दिया हुआ है. सी द नेम हियर, हाँ, ये अगेन एनसीईआरटी में सी है. मिक्सचर ऑफ सीओ एंड एच टू इज कॉल्ड वाटर गैस और नाउडेज इट्स कॉल्ड सिन गैस. और क्या लिखा है देखो, सिंथेसिस गैस. समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पर देखो मिक्सचर ऑफ सीओ एंड एच टू बना, बोलो हाँ कि ना. तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप बच्चों? तो इसका नाम, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये डायरेक्ट हर एग्जाम में, हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है. इसका पुराना नाम क्या था? वाटर गैस नाम था इसका, ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाटर के रिएक्शन से बन रहा है. और नाउडेज इट इज कॉल्ड एज सिन गैस और सिंथेसिस गैस. ठीक है, अगेन ये आप अपनी बुक के टॉप मार्जिन में नोट डाउन करके रखेंगे ये जो पॉइंट मैंने कहा. अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी ओ प्लस एच टू इज कॉल्ड वाटर गैस और सिन, दैट इज सिंथेसिस गैस. ये प्लीज नोट डाउन करके रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ईजी पॉइंट है, इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है. आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, आपको फैक्चुअली याद रखना है. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बो इज कॉल्ड वॉट? वाटर गैस और सिन गैस. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमने देखा था, दैट वॉज कॉल्ड पायरोलिसिस. ऑब्वियसली वी नो दैट ऑन हीटिंग दे विल डीकम्पोज. थ्री टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन, एक में सिर्फ हाइड्रोजन निकल रहा है, एक में स्मॉलर एल्केन निकल रहा है, एक में स्मॉलर एल्कीन निकल रहा है. ये तीनों हमने इन डेप्थ कवर किया था पिछले लेक्चर में, तो उसके ऊपर ज़्यादा हम लोगों को डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं. हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि जब हम लोग किसी भी एक एल्केन को लेकर हीट करते हैं वो हाई टेम्परेचर, तो उसमें पहले हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर एक लोअर एल्केन निकल जाएगा, फिर एक लोअर एल्कीन भी निकल जाएगा. राइट, एक अच्छा एग्जांपल उन्होंने थोड़ा अलग दिया है, जो अगेन दो डेकेन, जो आपको जनरली देखने नहीं मिलता, आपको 12 कार्बन का एग्जांपल जनरली देखने नहीं मिलता आपके रिएक्शन में. दो डेकेन, ओके, इफ आई हीट इट इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम और निकल, ओके, इट विल गिव मी हेप्टेन प्लस पेंटीन प्लस अदर प्रोडक्ट्स. आप नोटिस करेंगे हेप्टेन प्लस पेंटीन, वो गधर, एक चीज तो गधा जैसा लिखा है. अदर प्रोडक्ट्स बोले तो क्या ही बचा, हाइड्रोजन ही बचा ना, चेक करो. हाँ, अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली हाइड्रोजन भी नहीं बचा, हाइड्रोजन भी नहीं बचा. देखो जरा, 16 इधर है और 10 इधर है, कितने स्टार्ट किए थे हमने, 26 तो हो गया. तो अदर प्रोडक्ट्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ हेप्टेन एंड पेंटीन लिखो, अदर प्रोडक्ट्स फालतू कुछ नहीं. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्फर्मेशंस. लॉट ऑफ रेपिटेशन इन दिस, वी हैव डन दिस ऑलरेडी, पहले डिस्कस किया हुआ है, जे लेक्चर में अलग से डिस्कस किया हुआ है, थियरी लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है कॉन्फर्मेशंस क्या होते हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट वील जस्ट रिवाइज द होल थिंग. अराउंड द सिग्मा बॉन्ड रोटेशन इज पॉसिबल. यस, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, जो बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल है, एंड दैट इज वाई दिस परमिट्स फ्री रोटेशन. फ्री रोटेशन पॉसिबल है, और फ्री रोटेशन से जो अलग अलग आइसोमर बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फोमर और रोटामर. आई हैव कवर्ड ऑल दिस इन योर आइसोमर्स वाला लेक्चर. ठीक है ना, सो एल्केन्स कैन हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ आपके लिए. एल्केन्स कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस. हैव आई एक्सप्लेन्ड दिस बिफोर इन क्लास, यस और नो? आई होप ये आपको सब लोगों को याद होगा. इनफाइनाइट नंबर क्यों बोल रहे हैं हम? बिकॉज एंगल तो कितने भी हो सकते हैं, 360 डिग्री एंगल है, बट मैं 10, 10.1, 10.2, 10.3, 55.9, 63.7, whatever. आई कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स. सो इसीलिए एल्केन्स कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी स्टेटमेंट हो जाती है. ठीक है,
नाउ हर बार जब रोटेशन होता है तो सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होती है, ओके, सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेन आता है मॉलिक्यूल पर. ये थोड़ा आपके लिए नया है, स्ट्रेन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है. रोटेशन अगर आ रहा है, कोई चीज़ आप ट्विस्ट कर रहे हो, ये फिजिक्स में आपने इलास्टिसिटी चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. तो मेरे पास कोई ऐसी एक रॉड है जिसको मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, तो ट्विस्ट करने पर उस पर थोड़ा सा क्या आएगा बच्चों, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. क्या प्रोड्यूस होगा? स्ट्रेन विल बी प्रोड्यूस्ड. एंड इन दिस केस अगर हम लोग कॉन्फॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है आफ्टर रोटेशन, दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन. और जितना एंगल आपने घुमाया उसको क्या बोलेंगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस है, क्या बोलेंगे उसको? टॉर्शनल एंगल. तो जितना एंगल से आपने घुमाया उसको बोलेंगे टॉर्शनल एंगल, और जितना स्ट्रेन उस मॉलिक्यूल पे आया उसको हम लोग बोलेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन. करेक्ट है. इसमें हमने टाइप्स किए थे, अगर हम लोग देखें सोहर्स और न्यूमैन में, तो प्रोजेक्शंस किस तरह के हैं, सोहर्स और न्यूमैन दो टाइप के, और उनमें कॉन्फॉर्मेशन दो टाइप के हैं, एक्लिप्स्ड है और स्टैगर्ड है. इंटरमीडिएट, एनी अदर इंटरमीडिएट इज कॉल्ड स्क्यू. ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव कवर्ड अंडर आइसोमेरिज्म. यस, द टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर सोहर्स एंड न्यूमैन. द डायग्राम्स आई हैव, मैं बना बना के आपके लिए डायग्राम अब थक गया हूँ, आप भी देख देख के कंटाल गए हो, ठीक है, सबको मालूम है ये, ठीक है. सोहर्स प्रोजेक्शन के डायग्राम्स एक बार आप देख लेना, सिर्फ गो थ्रू कर लेना, और न्यूमैन प्रोजेक्शन के भी डायग्राम्स आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है. स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस में अगर हम लोग देखें, तो ऑब्वियसली आपका जो स्टैगर्ड है उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जो एक्लिप्स है उसमें कम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है. चलो अब हम लोग जाते हैं जो मेन मुद्दा है, मेन पार्ट है आज का, दैट इज एल्कीन्स. एल्कीन्स का आज हम लोग कॉमन नॉमेनक्लेचर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाले हैं. नाउ कॉमन नॉमेनक्लेचर, ऑल ऑफ यू आर एक्सपर्ट्स, नाउ सबको पता है, मैंने एक पूरा सिस्टम क्रिएट करके दिया था आपको कॉमन नॉमेनक्लेचर का, एक बार उसका रिवीजन भी कर लेते हैं. हमने कैसे कॉमन नॉमेनक्लेचर लिखना सीखा था, तीन टर्म्स में कॉमन नेम्स लिखते हैं ना, तीन टर्म्स में. पहला टर्म क्या होता है, आइदर एन और आइसो और नियो और सेक और टर्ट, है ना, ये पांच ऑप्शन होते हैं हमारे पास प्रीफिक्स में. एन आइसो नियो किस में आते हैं, प्राइमरी में. सेक बोले तो सेकेंडरी, टर्ट बोले तो टर्शरी, सबको मालूम है. सेकेंड नंबर पे क्या आता है, हमारा एल्काइल ग्रुप आता है. इसमें हम क्या चेक करते थे, टोटल नंबर ऑफ, है ना, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इसमें काउंट नहीं करते अपन, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, है ना. एल्डिहाइड और एसिड का कॉमन नॉमेनक्लेचर का कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम है, उसको भी हमने अलग से कवर किया अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स, अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स वी हैव कवर्ड ना, एसिटिक, फॉर्मिक, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, वैलरल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड, ऑल दोस, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, मैं हमेशा ऐसे बोलता था, पिछले लेक्चर में किया है, पहले किया है, इसका ये मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल आर रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट वी हैव डन ऑलरेडी एंड दैट यू आर अवेयर ऑफ वॉट एवर हैज बीन कवर्ड. आई एम सेइंग दैट ऑन दैट अजम्पशन. ऐसे तो मैं पढ़ाते जाऊंगा आगे का और आपको बोलूंगा हाँ ठीक है ये हो गया है ऑब्वियसली. सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप एल्काइल देखते हो, उसके बाद ऑब्वियसली आप फंक्शनल ग्रुप लिखते हो जिसका सीधा सीधा नाम है. तो ये तो हमने कॉमन फॉर्मेट देख लिया था, और फिर उसमें हमने बोला कि नई चीज़ें क्या थी, कि भाई एसिड और एल्डिहाइड के लिए हम लोग सोर्स के हिसाब से लिखेंगे एंड अदर थिंग्स. वन थिंग दैट आई हैड नॉट इंट्रोड्यूस टू यू पर्पसली वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक अल्फा बीटा गामा एटसेट्रा. ठीक है, मैंने सिर्फ इतना आपको ये बताया था कि जो कार्बन डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे. ये इन जनरल रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो जो कार्बन एटम उस फंक्शनल ग्रुप से सीधा सीधा बॉन्डेड है, सीधा सीधा अटैच है, जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं. उसके बाजू वाले को बीटा बोलेंगे, उसके बाजू वाले को गामा बोलेंगे, तो ऑब्वियस बात है, ये तो सबको मालूम है. अब एल्कीन्स की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट एक है, ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद दैट, लेट मी क्लैरिफाई दैट फर्स्ट फॉर यू. ठीक है, तो जो सेक्शन मैं आपके लिए अभी फिलहाल कवर करने वाला हूं, और आप अपनी नोटबुक में एक फ्रेश पेज लो और वहां पर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स लिखो, हेडिंग डालो क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ
एल्कीन्स। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये नया है और कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, तो शुरुआत में ही क्लियर कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स में अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कॉमन यानी कि ट्रिवियल और आईयूपीएसी। आईयूपीएसी इज द वन दैट इज वेरी इजी फॉर यू, वेरी इजी। लेट्स से CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पहला मेंबर है ना, आपको पता है इसका आईयूपीएसी में नाम क्या है, इथीन, सबको मालूम है। इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर में नाम क्या है, बोलोगे सर ये तो पता है वैसे, इथिलीन। क्या नाम है? इथिलीन। यानी कि अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कॉमन में एल्किलीन, बराबर ना, कॉमन में एल्किलीन एंड आईयूपीएसी में एल्कीन। समझ में आ रहा है? अच्छा, कॉमन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम आईयूपीएसी में प्रोपीन, यहां पर प्रोपिलीन, सम पीपल कॉल इट प्रोपिलीन, सम कॉल इट प्रोपाइलीन, इट्स एक ही बात। ठीक है, ये तो सिंपल वाला हो गया। अब आते हैं थोड़े से नए और थोड़े ट्विस्ट पे। अभी ब्यूटीन मेरे पास दो वैरायटी है, वन ब्यूटीन है और टू ब्यूटीन है, और टू ब्यूटीन में तो सिस और ट्रांस भी है ना, है कि नहीं? तो सवाल ये आता है कि आईयूपीएसी इजी है सर इसका, ब्यूट वन इन ब्यूट टू इन, सही है सर, कॉमन नेम क्या होगा? तो बच्चे बोलेंगे हाँ ठीक है ना, उसमें क्या है, ब्यूटिलीन, तो ये भी ब्यूटिलीन, तो फर्क कैसे करूंगा मैं कॉमन नेम में ये दोनों में, नंबर लिखा तो नंबर लिखते ही तो आईयूपीएसी हो गया, ये गई बात दिमाग, पहले प्रॉब्लम समझो फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। इशू समझ में आया कि एल्कीन में कहां पे इशू आता है, कि सर हम लोग जैसे नंबर लिखते हैं तो वो तो आईयूपीएसी हो गया, और कॉमन में हम कार्बन गिन के लिख दिए चार, तो ब्यूटिलीन ब्यूटिलीन तो ठीक है, तो हम कैसे बताएं कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये गया दिमाग में। तो यहां पर आया फंडा अल्फा बीटा का, तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इसको मैं बोल दूंगा अल्फा ब्यूटिलीन, इसको बोल दूंगा बीटा ब्यूटिलीन। समझ में आया? अब ये सवाल है कि भाई यहां पे ये जो अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ वो वाला अल्फा है? नहीं, यहां पर 1 2 3 4 जो आईयूपीएसी में होता है उसी को अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोलते हैं, समझे? तो यहां पर अब ध्यान से सुनना ये, क्योंकि ये पार्ट एक्चुअली बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर मैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 ये बनाता हूं कंपाउंड, तो आपको पता है इसका आईयूपीएसी बहुत इजी है, पेंट टू इन, क्लियर, पेंट टू इन, बहुत आसान, सबको मालूम, कुछ नया नहीं। अच्छा, CH3 CH2 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 COOH, आप बोलोगे ठीक है इसका नाम क्या है, सर इसका नाम पेंटेनोइक एसिड है, ये भी हमको आता है, सबको आता है, ये तो हर बच्चे को आता है, वेरी श्योर, बहुत इजी है। ट्रिकी पार्ट है कॉमन नेम लिखना, सर ये पांच कार्बन का आपने सिखाया था हमको, वैलेरिक एसिड, ये हमको आता है, पांच कार्बन का एसिड का कॉमन नेम क्या है, वैलेरिक एसिड। ठीक है, यहां पर अभी आपने बताया पेंटिलीन हम लिखेंगे, ये भी ठीक है। अब ध्यान से सुनना सवाल जो है मेरा,
यहां पर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, बोलो हाँ कि ना। यहां पर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, हाँ कि ना, सही है। यहां पे एसिड मेरा फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे डबल बॉन्ड मेरा फंक्शनल ग्रुप है। एसिड के साथ जब मैं आपको बोलूंगा कि मेरे को अल्फा बीटा की नंबरिंग करके दो, तो आप बोलोगे अल्फा फिर बीटा फिर गामा फिर डेल्टा, सही है? यहां बोलोगे करेक्ट है सर, सही तो लिखा आपने। अब यहां पर सेम लॉजिक लगाने वाला बच्चा क्या करेगा, वो बोलेगा सर ये डबल बॉन्ड है तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ऐसा लॉजिक लगाएगा कोई स्टूडेंट, तो वो गलत हो जाएगा। एल्कीन में कंप्लीटली अलग है, एल्कीन में आपकी फर्स्ट से आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन ए बी सी डी ई, ग्रीक लेटर्स में ए बी सी डी ई को आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन ई, ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं इप्सिलॉन, ग्रीक लेटर। आई होप सबको थोड़े बहुत तो पता ही होंगे, नहीं पता है तो जान लो, एटलीस्ट पांच, पहले पांच तो जान लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन, ठीक है। क्या सीखने मिला इसमें, सीखने ये मिला कि सर हम लोग बाकी सब जगह पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको देख के अल्फा लिखेंगे, और अल्फा चेन के बीच में से भी चालू हो सकता है। ये देखो चेन के बीच में आया अल्फा, हाँ कि नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ी आया, स्टार्टिंग में तो एसिड था ना, सेकेंड नंबर पे आया अल्फा, है कि नहीं। और एक एग्जांपल बनाता हूं आपके लिए, सपोज मेरे पास इस तरह का कंपाउंड है, तो यहां पर अल्फा कौन सा है, ये वाला मेरा फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फा एक दो को बीचों बीच चालू हुआ ना, चेन के एंड से थोड़ी चालू हुआ, अल्फा तो बीच में से चालू हुआ है ना, फिर ये बीटा वन फिर ये बीटा टू फिर ये गामा वन फिर ये गामा टू, दोनों साइड बीटा दोनों साइड गामा, ऐसा हो सकता है ना। मेरे बातों का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्कीन में अल्फा बीटा गामा जो है फंक्शनल ग्रुप देख के नहीं लिखना है, स्टार्ट टू एंड लिखना है। मतलब ऐसा समझना अपने दिमाग में कि जहां आईयूपीएसी में मैं 1 2 3 4 लिखता हूं, वहीं पर कॉमन में मेरे को अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिखना है। ये बात सभी बच्चों के दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, हुई कि नहीं हुई चेक कर लो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज आप दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग तरीके से अल्फा लिख रहे हो, तो एल्कीन में अलग तरीका है और बाकी सब जगह अलग तरीका है। इसलिए मैंने पर्पसली एल्कीन के, आपने नोटिस किया होगा मैंने सारे आपको नॉमेनक्लेचर सिखा डाले, स्पायरो बाईसाइक्लो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो मेटा पैरा सब सिखा दिया, पर एल्कीन का नहीं सिखाया था जानबूझ के ये वाला पार्ट, क्योंकि वो मुझे अलग से सिखाना था, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते थे स्टार्टिंग में। आई होप ये अभी एकदम क्लियर हो और कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो वी डिस्कस्ड दैट इज द अल्फा बीटा का सिस्टम किस तरह से है वैसा। नाउ विल राइट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, ओके चलो। सो ऐसा अगर आपके पास एल्कीन आ जाता है, जैसे कि लेट्स से, हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं CH3 CH2 CH3, मस्त। आईयूपीएसी तो बहुत आसान है इसका, आईयूपीएसी क्या है, ये तो कोई बच्चा भी लिख लेगा यार, 1 2 3 4 5 6 तो हेक्स है ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 तो 3.4 डाइमिथाइल हेक्स 3 ई, तो आसान है। बट इसी का कॉमन नेम कोई लिखने बोलेगा तो अब लिख पाओगे, अब बोलोगे अच्छा अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन, अरे हाँ उसके आगे लिखने की वैसे अब जरूर, आपको डेल्टा तक भी आता है ना तो भी बहुत हो जाता है आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो मैं पूरा आपको ग्रीक अल्फाबेट सिखाने नहीं बैठ रहा अभी, ए आर ये, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन, ओके। तो यहां पर मेरे पास गामा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन बोले तो हेक्सिलीन हो गई, ठीक है। गामा हेक्सिलीन क्योंकि गामा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और
गामा पे और डेल्टा पे डाइमिथाइल है, समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि सर ये तो बड़ा प्यारा सा सिस्टम है यार, बहुत अच्छा है, तो हमको आईयूपीएसी की जरूरत ही क्या थी, करो अल्फा बीटा, क्या टेंशन है? पर फिर ग्रीक अल्फाबेट में 24 लेटर ही है ना, 24 कार्बन से ज्यादा की चेन आई तो फिर अटक जाओगे, है ना? इसलिए आईयूपीएसी तो चाहिए ही चाहिए कि किसी दिन 24 कार्बन से ज्यादा की चेन आई तो क्या करोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए एल्कीन्स में आपको अल्फा बीटा देखने मिलेगा, बहुत एक्सटेंसिवली यूज नहीं होता, बहुत कम केसेस में आपको इसके नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आता है, बट एटलीस्ट यू शुड बी फेमिलियर कि हाँ ऐसा इसका नॉमेनक्लेचर होता है। एंड आप देखेंगे तो यहां पर तो उन्होंने आपको एनसीईआरटी में सीधा आईयूपीएसी नेम ही दिया है, कॉमन नेम तो दिया ही नहीं है, देख रहे हो आप। चलो तो यहां पर हम देख लेते हैं हमारे एल्कीन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड्स है, CnH2n उनका जनरल फॉर्मूला है, ऑयल फॉर्मिंग यानी कि ओलिफिन्स भी उनको कहते हैं। क्यों कहते हैं ओलिफिन्स, उसका रीजन यहां दिया है, सिंस द फर्स्ट मेंबर दैट इज इथीन और इथिलीन, देखो दोनों नाम दिए ना, कॉमन नेम इथिलीन, आईयूपीएसी इथीन, वॉज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। वॉट इज दैट ऑयली लिक्विड दैट इट फॉर्म्स, दैट ऑयली लिक्विड दैट इट फॉर्म्स ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन इज विनाइल क्लोराइड, ठीक है? फर्स्ट वो विनाइल क्लोराइड बनाता है और उसके बाद फिर इथिलीन डाइक्लोराइड भी बनाता है ना, जब एक्सेस क्लोरीन ले लेते हो तो, ठीक है। डबल बॉन्ड कैसा होता है, तो वन सिग्मा प्लस वन पाई, स्ट्रॉन्ग सिग्मा वीक पाई, ठीक है। सिग्मा की बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड एनर्जी इज 397 किलो जूल पर मोल, पाई की इज 284 किलो जूल पर मोल, इन दिस केस, इन कार्बन टू कार्बन हम लोग डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर मैं आपके लिए मार्क करने जा रहा हूं, जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आपको ये लाइन देखने सुनने मिलती है। सो the most important line here, okay, is the bond length of double bond is shorter and the value is given, you have to remember the value, check what is the value of the double bond ka length, 134 picometer than single bond which is 154 पिकोमीटर इन लेंथ। पिकोमीटर आप सब लोगों को मालूम है, आई एम श्योर फिजिक्स में आपने पढ़ा है, पिकोमीटर इज 10^-12 मीटर, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ये आपको लिखकर रखनी है, एक लिस्ट बना के लिख कर रखो ताकि आपकी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके लिए डायरेक्ट आपको ये वैल्यूज याद रहे, आपको डिराइव करना या ऐसे लिखना या ऐसे कुछ नहीं करना पड़े, सीधा फैक्चुअल है, ये वैल्यूज आपको याद करनी है, ठीक है। पाई बॉन्ड इज वीकर, वी नो दैट ऑब्वियसली, बिकॉज वो साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग से बनता है ना, पैरेलल पाई है, पैरेलल ऐसा है, हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज करना है, पैरेलल वर्ड यूज नहीं करना है। तो हेड ऑन मतलब वही सीधा, ओके। एल्कीन्स आर इजीली अटैक्ड, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था कि पैराफिन्स क्यों बोलते हैं एल्केन को, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि एल्कीन्स की रिएक्टिविटी कम है। क्यों है? क्योंकि एल्कीन्स जो है जो जल्दी रिएक्ट होते हैं या जल्दी अटैक होते हैं बाय कंपाउंड्स और रिएजेंट्स विच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सच एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है वो इलेक्ट्रोफिलिक, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो न्यूक्लियोफिलिक। तो एल्कीन्स का रिएक्शन किसके साथ ज्यादा देखने मिलेगा? इलेक्ट्रोफिलिक के साथ। क्यों? क्योंकि वो पाई बॉन्ड जो है ना वो उसको इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है उसको दिखता है कि अरे ये पाई बॉन्ड वीक है, आसान है, चल इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेते, क्योंकि इजीली मिल जाएगा ना, तो वो जल्दी उसको अटैक करेगा, हाई रिएक्टिविटी दिखाएगा।
सिंपल बात है ये। अभी वैसे ही डबल बॉन्ड की एंथैल्पी का भी वैल्यू दिया है, चेक करो। डबल बॉन्ड की एंथैल्पी 681 और सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी 348। तो बोलोगे ऐसा कैसा, क्योंकि डबल बॉन्ड में वो 348 और मतलब वो तो सिग्मा का अकेले का 348 तो है ही, प्लस पाई का है ना, समझ में आ रही बात। अगर अकेला पाई और अकेला सिग्मा कंपेयर करें तो पाई वीक है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, बट सिंगल इज ओनली सिग्मा, डबल इज सिग्मा प्लस पाई ना, तो ये ध्यान देना है आपको। तो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी, डबल की इतनी होती है किलो जूल पर मोल में और सिंगल की 348 होती है किलो जूल पर मोल में, 681 एंड ये। अच्छा इसमें और एक चीज आप नोटिस करेंगे कि 348 का अगर मैं डबल करके देखूं तो कितना होना चाहिए था, 696 होना चाहिए था, पर अगर आप देखें तो मुझे 681 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डबल में दो सिग्मा नहीं है, डायरेक्ट डबल नहीं हो रहा, एक सिग्मा एक पाई है, ये जा रहा है दिमाग में, पाई का थोड़ा कम है इसलिए ओवरऑल वैल्यू डबल से थोड़ी कम मिल रही है आपको। सही बात है, नॉमेनक्लेचर हमने देख लिया ऑब्वियसली। आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड ही लेना है, इसके ऊपर हजारों एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, नंबरिंग हमने कर ली और सब कुछ। इन से इन जो है आपका ये होता है, ठीक है, प्रोपीन, ब्यूट वन इन, ब्यूट टू इन, ब्यूटा डाई इन, टू मिथाइल प्रोपीन वगैरह, ठीक है। और इनके कॉमन नेम्स में हम लोग इलीन, वाई एल ई एन ई, इथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, ये वर्ड्स यूज करते हैं, ये सबको मालूम है, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। हर स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स, जैसे कि अगर मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर पूछ लूँ, चलो एक सॉल्व करके देखते हैं, ये वाला मैंने स्ट्रक्चर आपको पूछ लिया एनसीईआरटी में से, ठीक है। चांसेस आर कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में एनसीईआरटी के डायरेक्ट सीधे सीधे उठा के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ये तो आप सब लोगों को पता ही है, मैंने बताया पहले भी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के एज इट इज पूछे जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, समझो आपको बोला जाए कि सिग्मा और पाई जज करो, कैसे करोगे, कितने सिग्मा कितने पाई बताओ, सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई। नाउ इसमें कॉमन मिस्टेक हर बच्चा करता है कि कितने सिग्मा कितने पाई बोले आपने, एक दो तीन चार, चार पाई, वो तो ठीक है, पर हाइड्रोजन भूल गए, हाइड्रोजन भूल गए, किसने बोला सात सिग्मा, रॉन्ग है ना, ओवर कॉन्फिडेंस और घाई, देखो गड़बड़ हो जाती है फिर। यहाँ पे अपने को लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन गड़बड़ हो जाती है, नहीं करना है। यहाँ पर CH2 था, फिर CH था, फिर CH था, फिर CH था, फिर CH, फिर CH, फिर CH, फिर CH2, तो इसके दो सिग्मा, फिर तीन, फिर चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस और सात कितने हुए, 17 सिग्मा, चेक करो 17 सिग्मा, और पाई कितने, चार। सबके दिमाग में गया ये, गड़बड़ नहीं करनी, घाई नहीं करनी ऐसे क्वेश्चंस में, इसलिए मैं आपको हजार बार बोल चुका हूं एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, द मोमेंट यू सी बॉन्ड लाइन आर यू सपोज टू जस्ट जज डायरेक्टली, नो, यू आर सपोज टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द एंटायर स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन से नॉर्मल स्ट्रक्चर में उसको पहले कन्वर्ट करो, तभी ही आप कन्विंसिंगली सारे बॉन्ड्स को नंबर कर पाओगे। नहीं तो चार मार्क का क्वेश्चन आपका -1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आई होप सो। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, वेरी इजी, हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म होता है यानी कि चेन की लेंथ अलग हो सकती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है यानी कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी अलग हो सकता है, ये भी बहुत बार हमने देख लिया। यूनिक था हमारे लिए ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल कम्स अंडर व्हाट कैटेगरी, कम्स अंडर स्टीरियो आइसोमर्स, ये आज भी रिवाइज किया था ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स, जहां पर द रीजन व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट है ना, द रीजन व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इज पाई बॉन्ड डज नॉट अलाउ रोटेशन। ये क्लियरली ये सेंटेंस मैंने बोला था, इनफैक्ट अभी इसी लेक्चर के शुरुआत में जब हम लोगों ने कॉन्फॉर्मेशंस किए
एल्केन के, तो वहां पे बोला सिग्मा बॉन्ड अलाउज रोटेशन, और यहां पर मैं बोल रहा हूं पाई बॉन्ड डज नॉट अलाउ रोटेशन, है ना। तो डबल बॉन्ड जो होता है आपका, जो डबल बॉन्ड होता है वो डज नॉट अलाउ रोटेशन, तो वो कॉन्फॉर्मेशनल यानी रोटर रोटामर्स नहीं दिखा सकता, तो वो क्या दिखाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। सो दीज आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स इन स्पेस, द अरेंजमेंट आर डिफरेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट, ये वर्ड है स्पेशियल अरेंजमेंट, हाँ, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। द आइसोमर ऑफ द टाइप इन विच टू आइडेंटिकल ग्रुप्स और एटम्स लाई ऑन द सेम साइड इज कॉल्ड सिस, इन विच आइडेंटिकल और ग्रुप्स विल आर कॉल्ड ट्रांस, सिस का दूसरा नाम है जेड और ट्रांस का दूसरा नाम है ई, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, होप सो। और ये जैसा मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये चीज आपको ज्यादा करके टेक्स्ट बुक में मिलेगी नहीं, जेड और ई एक्स्ट्रा है, पर हमने की थी ये डिटेल में डिस्कशन किया था इसके ऊपर पिछली बार भी, क्योंकि ज़ूसामेन एंड एंटगेगेन जो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे जर्मन में वर्ड्स होते हैं, इसका मतलब ही वही होता है, सेम साइड ऑपोजिट साइड, तो जेड और ई, ओके। अगर हम लोग इसकी बात करें, मैंने जो कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो नॉर्मल चीजों में येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही खास है दैट आई एम राइटिंग ऑब्वियसली हियर फॉर यू, एंड टील कलर जो ब्लू वाले कलर से मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एमसीक्यू पॉइंट्स, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, सिस फॉर्म ऑफ एन एल्कीन इज मोर पोलर देन द ट्रांस फॉर्म, सिस फॉर्म ज्यादा पोलर है, फॉर एग्जाम्पल डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस ब्यूटीन इज 0.33 डी बाई यूनिट, whereas dipole moment of trans is almost zero. Can somebody tell me why? It's very easy, because trans में opposite side पर है ना, opposite side पर है ना, तो ये cancel हो जाएंगे ना dipole moment, इस तरह से, right? जब आपने opposite word ही use कर दिया तो फिर तो cancel होंगे dipole moment, ये तो सीधी बात है, इसको किसी को भी समझ में आएगा, तो इसलिए almost zero है। तो अगर dipole moment almost zero है तो trans butane जो है वो almost, can I say, non polar है, और नॉन पोलर है तो मतलब कोई चार्जेस नहीं है, चार्जेस नहीं है तो मतलब उसके अंदर स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। ऑल्सो ट्रांस आइसोमर ऑलवेज हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, देन द सिस फॉर्म। अगर हम लोग सॉलिड एल्कीन्स की बात कर रहे हैं तो ट्रांस आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू सिस फॉर्म, ठीक है। नाउ वी गो टू द राइटिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एंड द प्रिपरेशंस एटसेट्रा, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको काफी सारा ऑलरेडी थियरी लेक्चर में कवर करवा दिया है, तो वो हम लोग रिवाइज कर लेंगे, फिर जहां से लिखना चालू करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से। जैसे कि हमने पहला वाला एल्काइन्स से ऑलरेडी लिख दिया, फ्रॉम एल्काइन्स प्रेपरेशन, व्हाट इज द कैटलिस्ट दैट वी यूज्ड, वी यूज लिंडलार्स कैटलिस्ट, हमने क्या यूज किया था, लिंडलार्स कैटलिस्ट। व्हाट वाज लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट वाज PdBaSO4, ठीक है, पैलेडियम विथ पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड। देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड। नाउ जेई में सल्फर कंपाउंड की जगह और क्या यूज करना अलाउड है आपको, क्विनोलीन यूज करना भी अलाउड है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला भी था कि अपार्ट फ्रॉम लिडलास, अपार्ट फ्रॉम BaSO4, अदर थिंग्स आर ऑल्सो यूज। वॉट अदर थिंग्स कैन बी यूज, क्विनोलीन कंपाउंड्स। ये क्या होता है मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट रिमेंबर क्विनोलीन कंपाउंड्स। नाउ रिमेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस जब आप करते हो, जब आप लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करते हो, क्या यूज करते हो, लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करते हो, यहां पर एक चीज मिसिंग है, पीडी लिखा है, कार्बन लिखा है, कार्बन मतलब
चारकोल, ठीक है, उसको एक्टिवेट करने के लिए प्लस BaSO4 लिखना भूल गए यहाँ पे, वो लिख देना, ठीक है, अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो या अपने नोटबुक में जहाँ पे आपने लिखा हो तो हमने लिखा है ऑलरेडी एरो पे PDBaSO4। आप नोट करेंगे कि जो प्रोडक्ट बना वो कौन से टाइप का एल्कीन बना है, वो सिस टाइप का एल्कीन बना है। लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करके प्रोडक्ट कौन से टाइप का बन रहा है, सिस टाइप का बन रहा है। अभी यही सेम रिएक्शन अगर मैं लिंडलर्स कैटलिस्ट छोड़ के सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अगर मैं यूज करता हूं तो वो ट्रांस एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा? ट्रांस एल्कीन बनाएगा, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ रिएजेंट वी आर यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ डिफरेंट मैनर। जब हम लोग लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो लोअर ग्रुप्स है वो एक साइड जाते, लोअर मास वाले ग्रुप्स जो है वो एक साइड जाते हैं, हायर मास वाले दूसरे साइड जाते हैं, मतलब कि सिस फॉर्म बनता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द PDBaSO4। सेम थिंग व्हेन हैपेंस इन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दैट प्रेफर्स और दैट द प्रेजेंस ऑफ दैट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया पुशिज द हाइड्रोजन एंड एल्काइल ग्रुप्स टू ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में ट्रांस प्रोडक्ट बनता है और लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करके सिस प्रोडक्ट बनता है। ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो जैसे अगर आपको इस तरह से कंपाउंड, सपोज एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया एमसीक्यू, ठीक है, अगर मैं जेई की बात कर रहा हूं तो एग्जाम में अगर समझो आपको क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, सॉरी नॉट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, आपको हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करना है, ठीक है। अब फंडा ये है कि एक में आप यूज कर रहे हो पैलेडियम इन BaSO4 यानी कि लिंडलर्स कैटलिस्ट, और यहां पर आप यूज कर रहे हो सोडियम इन NH3, तो दोनों में प्रोडक्ट सेम होगा कि अलग होगा, चेक करो। दोनों में ब्यूटूइन ही बनेगा, ऑब्वियसली दोनों में बनेगा ब्यूटूइन, दोनों में बनेगा क्या, ब्यूटूइन, पर फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा कि यहां पर आपका बनेगा सिस ब्यूटूइन, क्या बनेगा, सिस ब्यूटूइन, ठीक है, और यहां पर आपका बनेगा ट्रांस ब्यूटूइन। ये क्लियर हुआ सबको? सेम रिएजेंट, सेम सेम स्टार्टिंग कंपाउंड भी वही है, रिएजेंट भी वही है, कैटलिस्ट अलग है तो प्रोडक्ट भी अलग है। तो यहां पर क्लियर हो गया, इथीन और इसमें तो, इथीन और प्रोपीन में तो सिस और ट्रांस का सवाल ही नहीं है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी वो दे सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन भी दे सकता है कि वो आपको प्रोपाइन दे दे, ठीक है, आपको प्रोपाइन दे दे और बोले कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया करो, तो क्या फर्क पड़ता है, प्रोपाइन में थोड़ी सिस और ट्रांस होता है, तीन कार्बन में सिस और ट्रांस कहां होगा, प्रोपीन में सिस और ट्रांस नहीं होता क्योंकि वो टर्मिनल डबल बॉन्ड बनाने वाला है यार, ऑब्वियसली। तो आपको ट्रिक करने के लिए वो देगा, तो ध्यान देना, आपको ट्रिक नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लैरिटी चाहिए, ओके। सेकेंड वन, द नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। Now from alkyl halides, this is where we had stopped, this is where we had discussed the previous part, okay, that is by elimination from alkyl halides by what reaction, by what process, by the process of elimination. And yahan par ek bahut important funda aa jata hai ki alcoholic potash that is KOH in alcoholic medium. How do you represent it? You represent it like this. KOH in alcoholic medium. ऐसे आप बोलते हो. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Alcoholic potash बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Alcoholic potash. NaOH is called soda ash. यानी कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH इज कॉल्ड पोटैश, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. बात समझ में आ रही है सब लोग? सो एल्कोहलिक KOH इज द रिएजेंट दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट एलिमिनेशन. फिर से सुनो और समझो क्या बोला मैंने. एल्कोहलिक KOH इज द रिएजेंट दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. ये गया दिमाग में सबके? नाउ दिस रिएक्शन यू हैव रिटन ऑलरेडी एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. चलो, सो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड एंड रिटन. इन फैक्ट वी हैड रिटन दिस डीहाइड्रोहैलोजिनेशन एज अल्फा बीटा टाइप ऑफ एलिमिनेशन. एलिमिनेशन के भी टाइप्स किए थे हमने और मैंने वहां पे आपको बताया था कि इसको हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन में काउंट करते हैं. क्यों ऐसा? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो अल्फा से ही जाएगा, तो सवाल ही नहीं ना, तो लॉजिकल होगी बात. फंक्शनल ग्रुप कहां से जाता है? फंक्शनल ग्रुप तो अल्फा से जुड़ा हुआ है तो अल्फा से ही जाएगा सर. हाइड्रोजन के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, अल्फा का हाइड्रोजन भी ले सकते हो, बीटा का भी ले सकते हो. जब बीटा का लेते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन पाथवे. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन से जाता है. बात समझ में आ रही है कि नहीं? चेक करते हैं, देखो चेक करके देखो. तो एक्स जो है ये तो अल्फा से जाएगा, ये रहा मेरा अल्फा, अल्फा से एक्स जाएगा वो तो पता है. हाइड्रोजन कहां से जाएगा? अब अल्फा के पास भी तो दो हाइड्रोजन थे, देखो ये वाले, ये और ये अल्फा के पास थे. तो मैं ऐसे एच एक्स यहां से क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि यहां से निकालूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही स्टूपिड तरीके से मेरे को ऐसा कुछ कंपाउंड मिलेगा ना. अगर ये निकाल दिया तो डबल बॉन्ड कहां बनाओ फिर? अगर इसको डबल बॉन्ड बनाया तो पांच वैलेंसी होगी, तो रॉन्ग हो जाएगा ना, समझ रहे हो? तो इसलिए बहुत जरूरी है ये कि आप एच एक्स को ऐसे निकालो कि जो हाइड्रोजन है वो बीटा से ही जाए और जो हैलोजन है वो अल्फा से ही जाए. तो इसलिए इसको हमने क्या बोला था बच्चों? हमने इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोला था. ठीक बात, सबको ये समझ में आ गई होगी बात. इसको हमने अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोला था. ठीक है, ओके. सो इसीलिए तो अल्कोहलिक KOH, नाउ दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी एम्बेडेड इन योर ब्रेन वेरी नाइसली. व्हाई? बिकॉज अभी आगे हम लोग एक्वस KOH के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. तो KOH सेम, सिर्फ अल्कोहलिक और एक्वस मीडियम बदलने से पूरा का पूरा रिएक्शन बदल जाता है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट भी बदल जाता है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा एल्काइन प्लस हाइड्रोजन अगर लिंडलर्स में है तो सिस आ रहा है और सोडियम इन अमोनिया है तो ट्रांस आ रहा है, देखा ना. तो यानी कि अगर हम ये देखें कि अगर सिर्फ मीडियम बदल दिया जाए, कैटलिस्ट बदल दिया जाए तो प्रोडक्ट बदल सकता है. उसके पीछे के मैकेनिज्म्स हम लोग डिटेल में करेंगे, पर ये तो पहले समझ लो कि एक्वस KOH अलग होता है, एल्कोहलिक KOH अलग होता है. एल्कोहलिक KOH इज यूज फॉर कैरिंग आउट एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टू प्रोड्यूस एल्कीन. मैकेनिज्म इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और अल्फा बीटा एलिमिनेशन. बहुत कुछ बोल दिया मैंने, आई होप ये पूरा समझ में आया. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम योर नीट JEE CET, मतलब कोई भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या है. फॉर हैलोजेंस द रेट ऑफ एलिमिनेशन इज आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन. फ्लोरीन तो हम यूज ही नहीं करते, ये तो पता ही है सबको. फ्लोरीन हम जनरली यूज नहीं करते, वो वायलेंट रिएक्शन वगैरह देता है, वो तो पता ऑलरेडी किया है. आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फॉर एल्काइल ग्रुप्स इट इज टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी. इसका क्या मतलब? कि सबसे अच्छा एलिमिनेशन होगा जब आयोडीन होगा और टर्शियरी होगा, तो अच्छा एलिमिनेशन होगा.
बात समझ में आ रही है? ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, सपोज आपकी एंट्रेंस एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आप नीट, जेईई, सीईटी कुछ भी दे रहे हो, आपका इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि भाई टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड सेक ब्यूटाइल आयोडाइड एंड एन ब्यूटाइल क्लोराइड एंड टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड, ये चार आपको कंपाउंड दिए हुए हैं, ये ऑप्शन ए, ये बी, ये सी, ये डी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एलिमिनेशन द फास्टेस्ट? टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड, दैट इज ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इसमें टर्शरी भी है और आयोडीन भी है। अब ये तो हो गया आसान, पर अगर आपको वो बोले कि अच्छा अरेंज करो बेस्ट टू वर्स्ट, सबसे फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, कौन दिखाएगा एलिमिनेशन, तो क्या करोगे? तो आप बोलोगे डी सबसे फास्ट करेगा, फिर डी के बाद ए ऑब्वियसली, देन सेकेंडरी वाला यानी कि बी, प्राइमरी वाला यानी कि सी। अब उसमें क्लोरीन भी है तो ऑब्वियसली, राइट? तो किसी भी तरीके से आप ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको अप्लाई करके आंसर कैसे देना वो भी समझो। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस हाँ सीख देख लिया, वीडियो देख लिया, हो गया, ऐसा नहीं, या लेक्चर सुन लिया मतलब हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। तो डी, ए, बी एंड सी, बात समझ में आ रही है सबको? आई होप्स। आयोडीन पहले आएगा, बट आयोडीन पहले आएगा बट ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, इफ बोथ वर टर्शरी देन आयोडीन ब्रोमीन के पहले आ रहा है, जैसे डी ए के पहले आ रहा है, करेक्ट। सो पहले आप एल्काइल ग्रुप को देखोगे और उसके बाद आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देखोगे, ठीक है? सो इसका ये मतलब कि आपको ये याद रखना है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये बेस्ट है एलिमिनेशन के लिए। तो सबसे अच्छा एलिमिनेशन दिखाएगा टर्शरी और आयोडीन का कॉम्बिनेशन, और सबसे खराब एलिमिनेशन दिखाएगा प्राइमरी और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन। आई होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर एवरीबडी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। उल्टा करेंगे जब हम लोग हैलोजन उसमें ऐड कर रहे हैं तो क्लोरीन फटाफट होगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। हमने डायरेक्ट क्लोरीनेशन करके देखा था, सेम। नाउ आयोडीनेशन इज वन रिएक्शन दैट वी विल डू इन एचडीए, एचडीए वाला जो पार्ट है उसमें छोटा सा करते हैं अपन, बट वो इतना रेलेवेंट नहीं है। डायरेक्ट क्लोरीनेशन, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, विच वी हैव डन ऑलरेडी। नाउ विसिनल डायहैलाइड्स, विसिनल डायहैलाइड्स क्या है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर डायहैलाइड्स। तो डायहैलाइड्स तो इजी है भाई, जिसमें दो हैलोजन ग्रुप हो वो डायहैलाइड्स, दो हैलोजन हो तो डायहैलाइड्स। और ये जो दो हैलोजन हैं इनकी वैरायटी अगर हम देखें तो दो टाइप की होती है, एक होती है जेमाइनल, क्या होती है? जेमाइनल। दूसरी होती है विसिनल, क्या होती है? विसिनल। पहली कौन सी होती है? जेमाइनल। दूसरी कौन सी होती है? विसिनल। जेमाइनल का मतलब
बोथ द एक्स, एक्स बोले तो हैलोजन, बोथ एक्स ऑन सेम कार्बन, क्या बोथ हैलोजन ऑन सेम कार्बन लगा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेमाइनल बोलेंगे। ध्यान से सुन लो, जब दोनों हैलोजन किस पे लगे होंगे, सेम कार्बन पे लगे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे जेमाइनल। और विसिनल हम कब बोलेंगे, विसिनल हम बोलेंगे व्हेन द बोथ द हैलोजेंस आर ऑन एडजेसेंट कार्बन्स, बोथ द हैलोजेंस आर ऑन एडजेसेंट, बोले तो एडजेसेंट का मतलब बाजू बाजू के, यानी कि पड़ोसी, बाजू बाजू, विसिनिटी बोलते हो ना, विसिनिटी, विसिनिटी मतलब बाजू में, विसिनल वहां से आया। एग्जांपल देख लो, सपोज ये ऐसा है एग्जांपल, है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन, तो ये कैसा हुआ, ये जेमाइनल हो गया, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हुए, सिंपल। ये ब्रोमीन इधर और ये इधर, दोनों हैलोजन कहां लगे हुए, बाजू बाजू में, सिंपल है ना। तो यहां पर क्या बोलता है, ये देखो, विसिनल डायहैलाइड में से यदि आप, अगर आप हैलोजन को पूरा निकाल दो तो क्या बनेगा, तो एल्कीन बनेगा। चेक, डायहैलाइड्स विसिनल वाले ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल दे फॉर्म एल्कीन, दिस इज नोन एज डी हैलो। क्या निकाला, दो हैलोजन एटम निकाले, जब हाइड्रोजन हैलोजन दोनों निकाला था तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, करेक्ट। यहां पर क्या किया, सिर्फ हैलोजन निकाले, डिहैलोजिनेशन, सिंपल। रिएक्शन इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, CH2Br, CH2Br plus zinc, ZnBr2. Zinc is a metal, bromine is a non-metal, very high affinity for each other. फट से निकल जाएंगे ZnBr2 या ZnX2 निकल जाएगा, क्या बचेगा, एल्कीन। कौन सा एल्कीन बचा, जैसे यहाँ पर इथीन बचा, सिंपल। सेम वे प्रोपीन के लिए भी अगर ये रिएक्शन में देखो तो एप्लीकेबल है, क्या कौन सा रिएक्शन, कौन सा प्रोडक्ट बचा, प्रोपीन। Now when we spoke about elimination, we said या तो alkyl halide से elimination कर सकते हो, या water से भी elimination कर सकते हो, alcohol से भी elimination कर सकते हो। alkyl halide से करोगे तो dehydrohalogenation, alcohol से करोगे तो dehydration, right? And what is the best dehydrating agent? One of the best dehydrating agents is concentrated H2SO4. करेक्ट। तो केमिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स अगर मैं बोलूं तो वो आएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब आपको स्कूल में आपको बताया गया होगा ना, स्किन पे H2SO4 अगर गिरता है तो जल जाता है। वो जलता क्यों है, बिकॉज इट इज गोइंग टू सिवियरली डिहाइड्रेट दैट एरिया एंड दैट कॉज दैट केमिकल बर्न, नॉट द हीट वाला बर्न, केमिकल बर्न होता है, है ना। तो From alcohols by acidic dehydration. कैसे, स्टेटमेंट क्या है, alcohols on heating with concentrated sulfuric acid form alkenes with elimination of one water molecule. Since water molecule is eliminated in the presence of acid, this is called as acidic dehydration of alcohols. It is also an example of beta elimination. This is also an example of beta elimination, since OH group is removed from alpha and hydrogen is removed from beta. Correct? Same manner जैसे यहां पर हमने किया था, तो यहां पर हमने जिस तरह से mark किया कि भाई ये alpha है, ये beta है, check कर लो। अगर आप इसको compare करेंगे dehydrohalogenation बाजू बाजू में, मस्त आपको दिखेगा। ये देखो, alpha से एक जा रहा है, beta से एक जा रहा है,
यहाँ पर भी अल्फा और बीटा, हाइड्रोजन हैलोजन, हाइड्रोजन वाटर और ओ एच, फर्क सिर्फ इतना ही है ना, वहां पे एच एक्स जा रहा था, यहाँ पर एच ओ एच जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको ये? तो प्रोडक्ट जो बना वो तो बना इथीन, तो ये डिहाइड्रेशन हो गया, वो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन था, ये डिहाइड्रेशन बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल निकला। सो दैट फिनिशेस ऑफ योर मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। नाउ वी गो टू फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी के सेम है, सभी हाइड्रोकार्बन के सेम ही रहेंगे हमेशा, जैसे कि फर्स्ट फ्यू मेंबर्स आर गैसेस, नेक्स्ट फ्यू मेंबर्स आर लिक्विड, उससे हायर वंस आर सॉलिड्स, कलरलेस गैस, कलरलेस, ओडरलेस वगैरह वगैरह। दे शो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर बट डिक्रीजिंग विद ब्रांच्ड, बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर बट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, सेम रिपीट, कुछ नया नहीं, फालतू है, छोड़ देने का। एल्कीन्स आर रिच सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वी नो दिस, ड्यू टू विच दे शो टेंडेंसी टू अंडरगो एडिशन रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रोफाइल, तो एल्कीन का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ ज्यादा होगा, सिंपल, एल्कीन का जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ में आपको ज्यादातर देखने मिलेगा, ठीक है। तो रिएक्शंस में सबसे पहला ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, रिएक्शन में एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, दिस वाज अ नेम रिएक्शन कॉल्ड सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। क्या करना होता है इसमें, बहुत ही आसान है सर, एल्कीन लिया, हाइड्रोजन लिया प्लैटिनम पैलेडियम और रेने निकल के प्रेजेंस में, क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम रेने निकल यानी एड्सॉर्बिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऐड करके एल्केन बना दिया, इजी। सेकंड है हैलोजन, तो आप नोटिस करेंगे यहां पर जरा, अगर आप नोटिस करेंगे कि विसिनल डायहैलाइड में से हैलोजन निकालने पर क्या बना था, एल्कीन बना था, तो उल्टा कर दे तो एल्कीन में दो, एल्कीन में दोनों साइड पे हैलोजन लगा दिया तो क्या बन जाएगा, उल्टा करके देखो तो बनेगा विसिनल डायहैलाइड। इसमें क्या रॉकेट साइंस है यार, सिर्फ फर्क ये है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है पॉइंट कि आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, आयोडीन का जनरली एडिशन रिएक्शन, आयोडीन इन जनरल भी नहीं दिखाता ना एडिशन रिएक्शन, तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हम लोग ने एल्केन्स में भी बोला कि यार आयोडीन चलो स्लगिश है, आयोडीन जो है ना एज एन एलिमेंटल फॉर्म अगर हम देखें आयोडीन का, तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो स्लगिश रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें अगर हम ब्रोमीन सॉल्यूशन लेते, ये सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनना, ये शायद आप लोगों के लिए शुरू में थोड़ा अजीब साउंड करे, वंस यू गेट द आइडिया बिहाइंड इट, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज इट्स अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ध्यान से देखना, ये जो स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं ये अनसैचुरेशन यानी कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है ये चेक करने के लिए यूज किया जाने वाला है, ध्यान से देख लेना बच्चों। सो ब्रोमीन सॉल्यूशन अगर हम यूज करते हैं किसके साथ, एल्कीन के साथ, तो उस ब्रोमीन सॉल्यूशन का रेडिश ऑरेंज कलर इज डिस्चार्ज यानी डिसकलर्ड, रेडिश ऑरेंज कलर जो है ब्रोमीन का वो गायब हो जाता है जब ब्रोमीन को ऐड किया जाता है टू एन अनसैचुरेशन साइट, दिस इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर चेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब आपको एक कंपाउंड दिया है टेस्ट ट्यूब में, उसका सॉल्यूशन बना के दिया, अब आपको थोड़ी देख के पता चलेगा उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, बराबर है, आपको थोड़ी पता चलेगा, हाउ डू यू चेक
कि जो कंपाउंड आपको दिया है वो सैचुरेटेड था कि अनसैचुरेटेड था, आप उसमें ब्रोमीन का सॉल्यूशन डालेंगे। समझ में आ रही बात, भेजे में जा रही, सबके ध्यान देना। आपको एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने एक कंपाउंड दिया और बोला बताओ ये सैचुरेटेड है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें ब्रोमीन का सॉल्यूशन डालेंगे ना। ब्रोमीन का सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिनली कैसा होता है, इट इज़ अ ब्राउनिश और रेडिश ऑरेंज लिक्विड, वी नो दैट, सबको मालूम है ब्रोमीन का। तो जो रेडिश ऑरेंज कलर है ब्रोमीन का, और ब्राउनिश आप बोल सकते हो कलर है, वो जैसे ही अगर टेस्ट ट्यूब में डालने पे गायब हो जाए तो अनसैचुरेटेड था, नहीं हो तो सैचुरेटेड था, सिंपल। तो देन वी हैव टू यूज दिस एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। What is the mechanism here? The mechanism is electrophilic addition reaction. So this is your mechanism. Mechanism क्या है? Electrophilic addition मतलब bromine gets added to the compound in the form of an electrophile. ठीक है, example number one, ये आपको as it is लिखना है। So bromine here undergoes heterolytic cleavage and forms Al Br plus and Br minus. जो Br plus वाला जो है ना वो पहले add होता है। They have not shown the mechanism here. They have just shown direct what do you say product. And product is very simple यार. Vicinal dihalide में से halogen निकाला था तो alkene बना था। उल्टा करके देख, alkene में halogen डाला तो vicinal dihalide बना। ये vicinal है कि नहीं है ये देखो। ब्रोमीन बाजू बाजू के कार्बन पे है, एडजेसेंट पे है, यहां पे चेक कर लो। सेम देखो, ये विसिनल है, बाजू बाजू के कार्बन पे है, हां कि ना, तो आगे आंसर विसिनल, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज अगेन one of the most important things that you are going to learn. Two rules we are going to learn. Two rules. One is called Markovnikov rule and second is called anti-Markovnikov's rule. ये दो rules आप बोल सकते हो practically देखा जाए तो आपके entire 11, 12 chemistry combined में देखा जाए तो one of the most important things that you are going to learn. ये दो rule जो है, ये छोटा सा एक section जो है, concept जो है, ये सबसे important चीज़ों में आता है। दोनों ऑब्वियसली ऑपोजिट है, एक मार्कोनिकोफ और दूसरे का नाम एंटी मार्कोनिकोफ है, तो किसी को भी समझ में आएगा वो रूल क्या है, उनके मैकेनिज्म क्या है। इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग उसके बाद उसके मैकेनिज्म एंड डिटेल्स वगैरह में जाएंगे। जो हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं बाई यूजिंग मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल इज नथिंग बट सिंपली एडिशन ऑफ एच एक्स यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन्स। इसका मतलब कि आपको एक एल्कीन लेना है और उस एल्कीन में क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है। ये आपका मेन जो पर्पस है वो ये है कि एल्कीन लिया मैंने और मैंने उस एल्कीन में क्या किया, मैंने उस एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि एच एक्स को ऐड किया। पहली बात ये समझो, ठीक है। तो ये रूल्स कहाँ आते हैं पिक्चर में कि एल्कीन में एच एक्स जब ऐड होगा तो प्रोडक्ट जो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन से टाइप का प्रोडक्ट बनने वाला है, इसकी प्रिडिक्शन किस पर डिपेंड करेगी कि मार्कोनिकोफ वाला रूल अप्लाई किया है या एंटी मार्कोनिकोफ वाला रूल अप्लाई किया है। बात समझ में आ रही है? तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये दोनों रूल्स क्या हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड ये रूल्स किसके लिए हैं। दिस इज फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एल्कीन्स। इज दिस क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल? सो अगर हम देखें ये रिएक्शन थ्री है यहां पर, तो मैं यही लिख देता हूं, पर अगर मैं सिर्फ इस तरह से हेडिंग डाल दूं कि एडिशन ऑफ एच एक्स टू एल्कीन, तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है हमको कि
वेरी सॉरी, एल्कीन जो है वो दो तरीके का हो सकता है. कौन से दो तरीके का एल्कीन हो सकता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर पहला एल्कीन हो सकता है सिमेट्रिकल, पहला एल्कीन हो सकता है सिमेट्रिकल और दूसरा एल्कीन हो सकता है अनसिमेट्रिकल. ठीक है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल. एग्जाम्पल भी दे देता हूं दोनों के ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2. क्या क्यों सिमेट्रिकल बोल रहा हूं मैं इसको, क्या समझ में आ रहा है इसमें आपको? क्योंकि बॉन्ड के दोनों साइड पे सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल देखू CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, तो मुझे बॉन्ड के दोनों साइड पे दो दो हाइड्रोजन दिख रहे, तो देर इज सिमेट्री, है ना. अगर मैं ऐसा देखू CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अब ये देखना बहुत ध्यान से, बच्चे इसमें बहुत सुपर गड़बड़ करते. सर ये 5 कार्बन है और ऐसे देखा जाए तो ये 3 और 2 है, तो सर ये अनसिमेट्रिकल है. एब्सोल्युटली रॉन्ग. जब मुझे एल्कीन को सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बोलना है तो मैं कार्बन नंबर या चेन को देख के नहीं बोल रहा हूं, मैं कार्बन के दोनों बाजू हाइड्रोजन कितने हैं, डबल बॉन्ड के आइदर साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, वो देख के बोल रहा हूं सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल. भेजे में जा रहा है, होप सो. तो ये वाला सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ये वाला सिमेट्रिकल है. ठीक है, तो उसमें अक्रॉस द डबल बॉन्ड आपको देखना है कि हाइड्रोजन कितने हैं. ठीक है, बाकी इरेलेवेंट है कार्बन नंबर, तो ऐसा नहीं देखना ऑड नंबर इवन नंबर ये वाला कुछ नहीं, दोनों बाजू कार्बन सही है बस. ठीक है, अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल क्लासिक प्रोपीन, चेक करो इधर 2 हाइड्रोजन है इधर 1 है, तो अनसिमेट्रिकल हुआ, बोलो हाँ कि ना. वैसे ही यहां पर भी देखो तो CH और ये 2, ये भी हुआ है ना अनसिमेट्रिकल. इसका कार्बन की डिग्री से कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं, चेक कर लो. देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 0, कोई लेना देना नहीं है कार्बन की डिग्री से. आपको सिर्फ हाइड्रोजन के नंबर को देखकर बताना है सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल. पहले तो ये क्लियर करो अपने दिमाग, बहुत बेसिक से जा रहा हूं, बहुत बेसिक. ये क्लियर हुआ कि सिमेट्रिकल क्या होता है अनसिमेट्रिकल क्या होता है? अच्छा, रिएजेंट भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं. रिएजेंट भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. रिएजेंट बोले तो समझो H2 है, तो ये H और H है, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ऑब्वियसली सिमेट्रिकल है. क्लोरीन क्लोरीन सिमेट्रिकल, ब्रोमीन ब्रोमीन सिमेट्रिकल, है ना. तो बोल सकते हैं कि जो नॉर्मली ऐसा हम देखते हैं कि सेम ही एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है वो तो सिमेट्रिकल ही होगा. अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होगा? जैसे HX, तो H प्लस और X माइनस, ऐसा होता है ना. पोलार बॉन्ड जिसमें होता है, डाइपोल जिसको हम लोग ने बहुत इनडेप्थ पढ़ा है डाइपोल के नाम से, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, है ना. तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. पहले ये तो समझ लो. तो मुझे क्या ऐड करना था बच्चों? मुझे ऐड करना था हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि 3 ऑप्शन थे मेरे पास हाइड्रोजन हैलाइड में, HX में, HCl, HBr और HI. पहले ये समझो क्या ऑप्शन थे मेरे पास, HCl, HBr और HI. अच्छा, अब पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग. एग्जांपल देखेंगे तो रूल आसानी से समझ में आएगा. जब मेरे पास कोई एल्कीन है जो सिमेट्रिकल है, कोई एल्कीन है जो सिमेट्रिकल है, और इसमें मुझे HX ऐड करना है. क्या ऐड करना है? HX को ऐड करना है. तो समझो इसमें मैं HX, अच्छा बाय द वे एरो पे लिखा, इसका ये मतलब नहीं कि कैटलिस्ट हो गया. मैं शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ. इसमें क्या करना है? ऐड करना है HX. अब फंडा ये है कि मैं हमेशा आपको ऐसे बताता हूँ कि ये पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और X को जोड़ो, एडिशन ऐसे ही होता है, बोलो हाँ कि ना.
एडिशन करना है, मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करके जो रिएजेंट आपको दिया उसको ऐड करना है, बरोबर है। अब सवाल ये है कि अगर मैं कार्बन नंबर कर देता हूँ, चलो 1, 2, 3 एंड 4, 2 को एच दिया, 3 को एक्स दिया, तो नाम क्या बनेगा? एक्स, एक्स तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए ना। नाउ सी, यहां पर एक्स जो है वो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली उसको छोटा नंबर दूंगा मैं। तो मेरे को ये पता है कि ये दोनों केस में, मतलब मैं, मेरे पास ऑप्शन ऐसा था कि या तो इसको हाइड्रोजन देता, इसको हैलोजन देता, ये एक ऑप्शन था। दूसरा, या तो इसको हाइड्रोजन देता, इसको हैलोजन देता। दोनों केस में मेरा प्रोडक्ट तो सेम ही रहता ना, 2-हैलो-ब्यूटेन, करेक्ट। दोनों केस में मेरे प्रोडक्ट का नाम रहता 2-हैलो-ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि ये रिएजेंट जो था, ये जो ओरिजिनल कंपाउंड था, ये सिमेट्रिकल था, तो फर्क नहीं पड़ता था, तो फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा कंपाउंड जो है वो, यानी कि मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, क्योंकि सेम ही बनने वाला है, 2-हैलो-ब्यूटेन ही बनने वाला है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कि जैसे मैं बोला कि ये पाई बॉन्ड को तोड़ो और इसमें एच और एक्स को जोड़ो, तो आपको सीधा सीधा पता चल गया, हाँ 2-हैलो-ब्यूटेन। अगर उल्टा भी कर देता कोई तो भी 2-हैलो-ब्यूटेन ही रहता, क्योंकि जहां मैं एक्स लगाऊंगा वहां से नंबरिंग चालू करूंगा। दैट इज क्लियर। सो सिमेट्रिकल में फर्क नहीं पड़ेगा। मेन आपको रूल लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए आएगा जब आप अनसिमेट्रिकल लोगे। सपोज मैंने अनसिमेट्रिकल लिया, ये अनसिमेट्रिकल है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन। ध्यान से देखना मैंने क्या किया। सो यू हैव, हियर यू हैव 1 हाइड्रोजन, हियर यू हैव 2 हाइड्रोजन, मतलब ऑब्वियसली ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसमें अगर मुझे एक HX ऐड करना है, जैसे मैं बोलूं HCl ऐड करना है, क्या करना है? HCl। तो HCl में पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, ऐसा है। तो अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि सर मैं डबल बॉन्ड ब्रेक करूं, इसको H दूं और इसको Cl दूं, तो मेरे को CH3CH2CH2Cl, यानी कि 1-क्लोरोप्रोपेन मिल रहा है। ये समझा कि नहीं समझा, है ना? ये 1-क्लोरोप्रोपेन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर उल्टा करके देखे कि सर मैं ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं, मैं इसको हाइड्रोजन और इसको क्लोरीन दे रहा हूं, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मेरे को ये मिलेगा। तो सेम प्रोडक्ट नहीं मिल रहा ना, अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है ना। तो अब कंफ्यूजन है, सवाल है कि दोनों में से कौन सा सही है। पहले क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले क्वेश्चन सबको समझ में आया कि हम लोग क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? नो, हियर द क्वेश्चन दैट वी आर फेसिंग, द क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, जो सवाल था फंडामेंटल, वो ये है कि भाई 1-क्लोरोप्रोपेन भी बन सकता है, 2-क्लोरोप्रोपेन भी बन सकता है, हम कैसे डिसाइड करें कि दोनों को 50-50 बनाने का, कि ये 2 वाला मेजर 1 वाला माइनर, या 1 वाला मेजर 2 वाला माइनर, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से। अब मैं आपको मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है ये बताऊंगा, और आप आंसर 2 सेकेंड में जज कर पाओगे एकदम आसानी से। मार्कोनिकोफ रूल ये बोलता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मेरे हर वर्ड को, हर शब्द को ध्यान से सुनना, मार्कोनिकोफ रूल ये बोलता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, कौन सा? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जो यहां पर इस केस में नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मतलब कौन सा है बच्चों? क्लोरीन। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट शुड गो टू दैट कार्बन दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने? नेगेटिव पार्ट शुड गो टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन।
मतलब ये दोनों में से कम हाइड्रोजन किसके पास था? बीच वाले के पास, इसके पास। तो क्लोरीन इसको देने का, तो हाइड्रोजन बाजू वाले, ऑब्वियसली ना, जो बचा उसको ही देंगे ना, तो हाइड्रोजन इसको देंगे। यानी कि 2-chloropropane ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो 1-chloropropane आपका क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे 100 मॉलिक्यूल्स के आप रिएक्शन करोगे तो 81% आपका, 81 मॉलिक्यूल्स आपके 2 वाले बनेंगे और 19% आपके 1 वाले बनेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्कोनिकोफ रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मार्कोनिकोफ रूल। इट्स जर्मन वर्ड, तो वो सॉरी रशियन वर्ड। सो डबल एफ इज प्रोनाउंस एज अ वी, के ओ एफ एफ लिख सकते हो आप स्पेलिंग लिखते वक्त, बट वी इज द प्रोनाउंसिएशन। इन द एनसीईआरटी दे हैव गिवन इट एज वी ओनली। इन मेनी ऑफ द अदर बुक्स यू विल राइट इट, यू विल फाइंड हिज नेम रिटन एज एम ओ आर एम ए आर के ओ एफ एन आई के ओ डबल एफ। डबल एफ इज प्रोनाउंस्ड एज वी, ठीक है? ये रशियन लॉजिक है ये, ठीक है? रूल क्या है मार्कोनिकोफ का, दोबारा एक बार देखते हैं हम उसको, स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं। रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, यानी कि एडिंग मॉलिक्यूल, गेट्स अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जहां हाइड्रोजन कम होगा वहीं पर नेगेटिव पार्ट जाके अटैच होगा। ये बात सबके दिमाग में गई? बोलो हाँ कि ना, क्लियर? सो प्रोडक्ट हमारा सेकेंडरी वाला मेजर हो जाएगा, प्राइमरी वाला माइनर हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी। नाउ सेम लॉजिक से आप खुद ही एक बार सॉल्व करके देखो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद सॉल्व करके देखो, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये लॉजिक आपको अप्लाई करना है, बस कुछ नहीं, ये सिंपल रूल अप्लाई करना है कि आपके पास, अब मैंने HBr आपको दे दिया, करेक्ट? सो यहां पर आपका प्रोडक्ट जो है, आप मुझे उसका IUPAC नेम बता सकते हो क्या? देखते हैं, चलो। तो पहली बात की यहां पर नेगेटिव पार्ट कौन सा है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है? डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो मुझे अब मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से पता है कि मेजर प्रोडक्ट ब्रोमीन को इसको जाना पड़ेगा और हाइड्रोजन को इसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है? मार्कोनिकोफ रूल बोलता है नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CHBr और CH3। ये एरो जिस तरह से मैंने बनाया है, आप खुद बनाने की हैबिट डालो, नहीं तो अगेन ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, CHBr तो लिख देते हैं, फिर डबल बॉन्ड निकालना भूल जाते हैं और हाइड्रोजन यहां पर अटैच करना भूल जाते हैं। अब इतने ज्यादा ये हो जाते हो कि अरे हाँ ब्रोमीन का पता चल गया, फिर बाद में ये इसके ऊपर इग्नोर हो जा, ये इग्नोर हो जाता है आपसे और गलती हो जाती है लिखने में, आंसर लिखने में। तो ये गलती नहीं करनी है, ध्यान से देखना, मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये किया है, तो यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिखना चाहिए मुझे, करेक्ट है ये बात? अच्छा, क्या दूसरा पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करता है? हाँ, पर वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, एक मेजर बनेगा एक माइनर। इसका IUPAC नेम क्या है बच्चों, देख लो एक बार, इसका IUPAC नेम क्या है? टू ब्रोमो ब्यूटेन एंड दिस इज वन ब्रोमो ब्यूटेन। नाउ अगर मैं आपसे इसका नेचर पूछूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो आप बोलेंगे सर ये वाला सेकेंडरी था और ये वाला प्राइमरी था। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मार्कोनिकोफ में सेकेंडरी प्रोडक्ट बनने का प्रेफरेंस होता है। सबको ये बात समझ में आ रही है? आई होप सो, बाउंसर नहीं जा रही है। सेकेंडरी प्रोडक्ट बनने का, मेजर प्रोडक्ट का हमेशा प्रेफरेंस होता है। चेक करो, मोर स्टेबल इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लेस स्टेबल इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब नाउ इस रिएक्शन में हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा है बच्चों, हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कौन सा इंटरमीडिएट है? वो हमारा
कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। कौन सा इंटरमीडिएट है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो प्रेफरेंस हमेशा सेकेंडरी कार्बोकैटायन को मिलेगा रादर देन प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या है? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ये सबको मालूम है भाई, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ये हमने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर किया उसमें बहुत बार किया, ये टर्शरी वाला ज़्यादा प्रेफर्ड है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यानी कि अगर सेकेंडरी और प्राइमरीज में से तुमको चॉइस मिले तो तुम कौन सा कार्बोकैटायन बनाओगे? सेकेंडरी वाला। कार्बोकैटायन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अब कार्बोकैटायन अगर पॉजिटिव है और कार्बोकैटायन अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चीज जो आ रही है वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होगी, बोलो हाँ कि ना। तो अगर मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो मेरे पास सेकेंडरी कंपाउंड भी बनेगा, क्योंकि मार्कोनिकोफ ने यही तो बोला कि नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा, सीधी बात है। तो नेगेटिव पार्ट इसके पास गया तो यहां पर सेकेंडरी कंपाउंड मेरे को मेजर मिला, बोलो हाँ कि ना। एकदम आसान, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अच्छा, अगर मुझे सपोज जस्ट फॉर ट्विस्टिंग, जस्ट फॉर फन, अगर मैं घुमाने के लिए आपको बोलूं या ट्रिक क्वेश्चन के लिए बोलूं, तो अगर मुझे टर्शियरी और सेकेंडरी में चॉइस करनी होती तो मेरा मेजर कौन सा होता? तो टर्शियरी मेरा मेजर हो जाता, ऑब्वियसली, कॉमन सेंस। यहां पर मुझे प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में चॉइस दिया तो मैंने सेकेंडरी को चुना। अगर मुझे टर्शियरी सेकेंडरी के बीच में चॉइस देता तो मैं टर्शियरी को चूज करता, बोलो हाँ कि ना। अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अभी वैसे आपके सिलेबस में वो लोग प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में ही चूज करने बोलते हैं, तो आप सेकेंडरी याद रख सकते हो, दैट इज फाइन। बट अगर ट्रिक क्वेश्चन के लिए, अगर ऐसे कुछ अलग बनाने के लिए उसने आपको दे दिया कि भाई टर्शियरी और सेकेंडरी दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जज कर कौन सा ज्यादा मेजर बनेगा, तो आप बोलोगे जो हायर डिग्री वाला है वो मेजर बनेगा मार्कोनिकोफ रूल में। ये बात सबके भेजे में आई होप सो गई, एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। तो मार्कोनिकोफ रूल का स्टेटमेंट यहां पर रहा, आपको सीधा सीधा यहां पर मैंने मार्क करके दिया है, और ढेर सारे उसके एग्जांपल आप देख सकते हो। सिमेट्रिकल में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्रिकल में तो एक ही बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अनसिमेट्रिकल में फर्क पड़ता है, तो हमने उसके एग्जांपल देख लिए। यहां पर मेजर प्रोडक्ट 81% वो 2 यानी कि सेकेंडरी वाला बनता है, और माइनर प्रोडक्ट जो है वो प्राइमरी वाला बनता है, दैट इज 19%, ठीक है। यहां तक आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करते हैं।